अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। राना साजिद लाहौर पाकिस्तान से हूँ। सबसे पहले तो वेलकम, आप जी ट्रीटमेंट को आपने ज्वाइन किया है। और सेकंड थिंग इज कि माशाल्लाह से फिट हैं, हमेशा की तरह फिटनेस आपकी बहुत जबरदस्त रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह। रिक्वायरमेंट है, प्लान क्या किया हुआ है? 3 मैचेस आपकी टीम जीत चुकी हुई है और बॉलिंग का 2 ओवर्स होते हैं, जिस तरह आपने मार्जिन बहुत कम होता है, तो क्या हिकमत अमली क्या होती है, बेसिक क्या, क्योंकि पटाई करनी होती है बैट्समैन ने। बॉलर पे तो कोई रहम नहीं करता। देखिए यार साजिद, बात यह है कि यस, इसमें कोई शक नहीं है कि ये फॉर्मेट मोस्टली बैट्समैन का ही है और लोगों को एंटरटेन करने का है कि छक्के चौके लगे, रन्स बने। लेकिन मैंने तो एज अ बॉलर देखना है ना, जैसे मैंने पहले बोला है कि मुझे अच्छा लगता है प्रेशर में खेलना। मैं हमेशा इसीलिए मैं कहता हूँ कि शायद जब मैं प्रेशर कंडीशंस आती हैं, प्रेशर में अल्लाह मेरे से अच्छा परफॉर्म करवा देता है, क्योंकि शायद मैं उस चीज को इंजॉय करता हूँ। क्योंकि ये एज अ बॉलर, अगर आप एक बॉलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये प्रेशर वाली गेम है फॉर द बॉलर्स। बैटिंग साइड पे बहुत कम प्रेशर होता है, क्योंकि उनके पास आना मतलब मारना है बस। 3 4 बॉलों पे अगर आपने 15 भी कर दिए तो वो गुड बैटिंग है। लेकिन एज अ बॉलर मैं इस चीज को इंजॉय करता हूँ कि आप पे हर टाइम प्रेशर है। तो आपकी जब स्किल्स टेस्ट हो रही होती हैं तो आपकी गेम अवेयरनेस बढ़ती है, और आप पे जब प्रेशर होता है, जब आप प्रेशर में देखते हो कि मैंने ये करना है, मुझे ये करना चाहिए, तो आपको बड़े टूर्नामेंट्स में जाके इस चीज का फायदा होता है। तो मैं तो इस चीज को एंजॉय करता हूँ, मैं प्रेशर को हमेशा एंजॉय करता जितना शेयरिंग होगी, जितनी ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग हूँ। आमिर भाई, सेकंड क्वेश्चन ये है कि जिस तरह की पहले बात की, फिटनेस आपकी माशाल्लाह से बेहतरीन रही है, और गुज़िश्ता रोज ही वहां पे आज की जानव से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उन्होंने कहा अभी उम्मीद है, उनको ने आस नहीं छोड़ी पाकिस्तान टीम में वापसी के हवाले से। तो आपने अभी खैर बता तो दिया है अपना प्लान के 5 6 साल आपने क्रिकेट खेली है, लेकिन आपने भी कोई आस रखी हुई है? मैनेजमेंट तो चेंज हो गई है, आपने भी कहा कभी इस मैनेजमेंट से बातचीत भी नहीं हुई आपकी, तो आस कोई उम्मीद, मैं ये पूछना चाह रहा हूं बस। देखें, आस उम्मीद इंसान सॉरी यार, मेरी तबीयत भी जरा आपको पता ही होगा, आमिर भाई, आप थोड़ा पानी पी लीजिए प्लीज, तो आप आपकी दूसरा तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, आप हल्का सा एक ब्रेक ले लें, कोई मसला नहीं है। ये देखें कि आस उम्मीद अल्लाह से होती है। एज अ मुस्लिम वी बिलीव कि वो जो करना है अल्लाह ने करना है। मैंने आपको जैसे पहले बोला है कि बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाया कि अभी मैं अपनी फैमिली के साथ मैं जितना टाइम इंजॉय कर रहा हूँ, जितनी मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं T10 में, आगे लंका लीग आ रही है, फिर PSL आ रही है, तो मैं उस चीज को इंजॉय कर रहा हूँ। बाकी को मैंने पहले बोला है कि ना, इस मैनेजमेंट से मेरी बात हुई है। बाकी आपने आई थिंक चेयरमैन साहब जब आए थे तो उनके बयान भी आपने सुन लिए थे। अब मैं अपने मुंह से बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप लोगों को सबको समझ आ गई होगी, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि एंड ऑफ द डे सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत मैटर करती है। जब आपसे कोई बात नहीं करेगा और आके अपना स्टांस बता देगा, तो मैं उन उन बंदों में से नहीं हूँ। मैं मेरा पिछली मैनेजमेंट के साथ भी आपने देखा होगा कि यही था कि आप किसी के पाँव नहीं पड़ सकते। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खेलते हो, आप अपनी परफॉर्मेंस के साथ खेलते हो। अब घर का बंदा जब आपको कह रहा है कि मैंने घर में घुसने नहीं देना, तो बार बार जाके दरवाजा नॉक करने की आई डोंट थिंक सो की जरूरत भी है। चले, थैंक यू सो मच आमिर भाई, बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक।